बोलना चाहते जी बताइए। हम नहीं बोलते तो आप कैमरा के बाहर से बोल रहे हैं, ऐसे बोलने में आपको संकोच लग रहा है, डरते हैं क्या मुखिया जी से? हम नहीं डरते हैं, इतना दूर से आके आपके गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं और आपको डर लगता है? रात दोस्तों, मैं गौरव जी, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। अभी मैं हरसिद्धि पंचायत में हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, इस क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे पता चला था तो मैं यहाँ पे आया हूँ और लगभग 2-3 दिन से मैं यहाँ पर कैंप कर रहा हूँ। तो आज यहाँ की जनता है, ये वार्ड नंबर 17 है, यहाँ के जनता से कुछ बात करेंगे। 16 ये वार्ड नंबर 16 है और यहाँ की जनता से बात करेंगे कि उनकी परेशानी क्या है। मुझे पता चला है कि इन लोगों की परेशानी है, तो आज इन लोगों से बात करना चाहेंगे। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी बताएं क्या दिक्कत है? यहाँ कोई काम नहीं हुआ है हम लोगों के। जैसे क्या? किसी को नहीं इंदिरा आवास मिला है, नल जल से किसी को पानी पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुँच नहीं पहुँचा है। 16 नंबर वार्ड में पानी नहीं पहुँचा है आधा वार्ड को। अच्छा, अब बाकी को पहुंच रहा है? अब बाकी उधर पहुंचता है कि नहीं, वो 17 अलग बताएंगे। यहाँ के जो वार्ड है वो कौन है, वार्ड कौन है यहाँ पे? तो वार्ड शंकर राम का पत्नी थी मरछिया देवी। अच्छा, थी, अभी है नहीं? है। अच्छा, तो वो उनको आप लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं? उन लोगों को हम कंप्लेंट करते, मुखिया यहाँ का नहीं चलने दिया उन लोगों को। अच्छा, यहाँ का मुखिया मुखिया को मनोज दास। हाँ, उनका पत्नी किरण देवी। अच्छा, वो क्या बोले, वो क्यों नहीं चलने देंगे भाई? चंद्रमा देवी। हाँ, वो क्यों नहीं बोलने देंगे? अब क्या जाने दे, उनको क्या दिक्कत है हम लोगों से? अच्छा, ऐसा बात है जी। कुछ जो, भी, हाँ। जो भी काम हुआ है, हाँ। आज से 5 साल पहले जलालुद्दीन अंसारी के एवज में ही बढ़िया काम हुआ है। अच्छा। सब किसी को इंदिरा आवास मिला है, सब गरीबों को घर मिला है। अच्छा, एक पैसा घूस नहीं लगा है। आज 20,000 रुपया 40,000 रुपया लिया जा रहा है इंदिरा आवास का, जो रुपया देता है। कौन लेता है पैसा जो है, आखिर लेता कौन है? मनोज दास लेते हैं, उनके पत्नी लेती है। ये मतलब मुखिया जी, मुखिया जी का इंदिरा आवास के लिए पैसा लेती है, क्या बोलते हैं वो? तो 40,000 रुपया लोगों को ठेकेदारी में ले लिया जाता है, जो रुपया देता है उसको घर मिलता है, जो नहीं देता है उसको नहीं मिलता है। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अनुसूचित जाति का टोला है। अच्छा, ये अनुसूचित जाति का है? हाँ, पूछिए। आइए कुछ लोग आगे, कैमरा को आगे लगे। जी जी बताइए। हमारा शादी का हो गया 2015 में हुआ, अभी तक घर नहीं मिला। और मुखिया जी से बोलते हैं तो बोलता है कि करते क्या है आप? करते क्या, कमाते और खाते हैं। कमाते और खाते हैं, कहाँ घर है आपका? हमारा घर यही है, कुबरा 16 नंबर वार्ड। अच्छा, मुखिया जी से बोलते हैं तो नल जल योजना के तहत पानी मिलता है? नहीं, हमको कुछ नहीं, पानी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड है। राशन कार्ड, अनाज मिलता है? हाँ, अनाज तो मिलता है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में इंदिरा आवास के लिए कम्प्लेन किए मुखिया से, तो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं। कौन बोला ये बात? वो चंद्रमा देवी और उनका पति मनोज दास। चाची बोले हैं ये पैसा के बिना कोई काम नहीं होता, पैसा के बिना कोई काम नहीं होता। कितना पैसा मांगा है? वो तो मांग रहे थे हमसे 5,000, हम नहीं दिए, कोई पैसा नहीं। अच्छा, तो पैसा नहीं दिए तो इंदिरा आवास आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ, एक नहीं छोरे में हुआ है जी, छोरे में एक को भी इंदिरा आवास नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक भी इंदिरा आवास नहीं है? पहले क्या है, पहले का है इंदिरा रीजन में, 15 से पहले का है, और जलालुद्दीन मुखिया का रीजन में है। अच्छा, इंदिरा आवास मैंने मनोज दास के रीजन में छोरे में ये गो नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं पंचायत में, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो तात्पर्य नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि पंचायत में आप क्या चाहते हैं, वही मुखिया चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव तो हम चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। चलिए आइए और भी कुछ लोग। जी सर, आप कुछ बताएंगे? नल जल योजना जो है, हम लोग इधर 10 घर जो है, हाँ, नहीं लगा है। अच्छा, 10 घर इधर भी बाकी रह गया है, इधर है बचा हुआ। नहीं नहीं, 16 में सबसे फर्स्ट बार आए हैं उसी जगह। अच्छा, नहीं लगा है। हाँ, तो आप लोग मुखिया जी से या वार्ड से कंप्लेंट नहीं करते? कहां कंप्लेंट किए हैं, लेकिन कोई कंप्लेंट सुनेगा तब तो उसके ऊपर भी तो है बीडीओ साहब है, बहुत। अब कहां कहां जाए, बीडीओ साहब के पास भी गए हम लोग, बोले हाँ, बोल कर भी आए हैं, कागज भी दिए हैं, बीडीओ साहब बोला है ठीक है हम करा देंगे, लेकिन काम नहीं हुआ है। बताइए, ऐसा सा हाल है। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि बिहार के जनता की दुख भरी दास्तान, अब वो दास्तान आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। बिहार का कोई ऐसा बहुत ही ऐसा कम क्षेत्र होगा जहाँ पर सही तरीके से मुखिया प्रतिनिधि हो या जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, सही तरीके से काम किए होंगे। हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, आज मैं जो हूँ यहाँ पे पूर्वी चंपारण में हूँ, और यहाँ के पूर्वी चंपारण का हरसिद्धि ब्लॉक है, हरसिद्धि पंचायत है, हरसिद्धि पकड़िया
पंचायत है, वार्ड नंबर 16, यहाँ पे मैं हूँ। और हर जगह जो देखने को मिल रहा है कि लोग जो है, जनता जो है परेशान है, और सरकार दावा, बड़े बड़े दावा करती कि हमारे क्षेत्र की जनता जो, हमारे बिहार की जनता जो है खुश है, लेकिन क्या खुश है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं, ये तो कुछ महिलाएं से जानते पूछते हैं जी, बताएंगे, इधर आइए। चारों ओर नाला हो गई, हमनी ओर नलो नहीं है, पानी गिराओ का साधन नहीं है ना। का बोला नल मुल मांगे नहीं आप उससे? घूस मांगा था, घूस मांगता है घूस। अब ककरा का हम कौन है जे हलावत जो घूस मांगता होगा उसका नाम तो आपको मालूम होगा ना? हलावे आइए, डरिए मत, बताइए हलावे आ रहे से। अब हम अच्छा जो मतलब यहाँ गारने आया हुआ था, नहीं घूस मांग रहा था, कितना मांग रहा था? होता ही से द्वार पर ले जाया करा था 500 रुपया। हमारा है पोतिन के नियाज खराब रहा, हमने जाकर भर्ती होगा नहीं सकता ना, हल नहीं किया, चला गया। तो आप लोग बोले नहीं, मुखिया जी को वार्ड को नहीं बोले? हम कोबेर कहनी तो मुखिया जी कहलन की होली होली। बताइए पाइप गाड़ने के लिए मांगा जाता है 500 रुपया का घूस, और मुख्यमंत्री जी नीतीश जी पटना में बैठ के बड़े बड़े दावे करेंगे कि हमारे बिहार की जनता खुश है, यही जनता खुश है आप देख रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, आइए जी, आप कुछ बताएंगे? उनके क्या था नहीं, पुरनका मुखिया, मुखिया मुखिया कौन मुखिया था, पुरनका कौन था? जल्दीन मुखिया। कौन? जल्दीन मुखिया। जल्दीन जीतल बहन। अच्छा हाई, कुछ ना कर, हमारे एगो पतो दुआरी पर हमारे पतो है ना बहरे ला। अच्छा हाँ, उनका माता आ रही तो हटा दुआ पर भेट बहनी जल्दीन मुखिया के वो कहल चंदरमा देवी। हाँ तो हमने का हई मिल जाए चाहेंगे, हमने का पानी वानी बही पानी नहीं मिलता है ना। कहाँ पानी कहाँ से पीती है आप? हम अपना कल से पीए सर, कल से अपना पैसा से लगा के। बताइए ऐसे हालात है, और जनप्रतिनिधि हर जगह देखा जा रहा है बिहार के अंदर में कि जनप्रतिनिधि जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और इस दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ऐसे जनप्रतिनिधि पर जो है कार्रवाई की जाए, और उनके जो जनप्रतिनिधि जो काम नहीं करते हैं जाकर पंचायत में जो है चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग इसको शेयर करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाए कि ये पंचायत में अक्सर ऐसा होता चला रहा है। आइए कुछ जवान लोग इन लोग से जाने जी, सर आप कुछ बताएंगे? हाँ यही बताएंगे कि जो जो इस कुबरा गांव में वार्ड नंबर 16 है जी, इसमें जल का ये जो पाइप लगा हुआ है अभी तक कोई जानता इसमें कोई पानी नहीं पिया है। दिखाइए एक बार दरवाजे पर, दिखाइए कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से वहां तक कहीं पर कि कहीं पर जो है मतलब यहाँ पर जल नल योजना के तहत जो है काम हुआ हो, और उसके बाद में पानी कोई नहीं पीता है, और पानी टाइम पर कभी भी नहीं आता है। अच्छा, जब उनका मर्जी करेगा तो चालू करेंगे, नहीं मर्जी करेगा चालू नहीं करेंगे। और ये पानी जितना भी आता है पूरा आयरन वाला पानी है, एकदम पूरा कचरा पानी आता है। ये जो नल जल योजना एकदम पूरा बेकार लगा हुआ है। इससे अच्छा है कि दूसरे वार्ड में जो लगा हुआ है नल जल, वो लोग पानी पीता है, लेकिन हम लोग कोई पानी नहीं पीते हैं। इस पानी पीने से सब लोग बीमार पड़ जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है कि मुखिया प्रत्याशी मुखिया है जो मुनेश दास, जो वर्तमान मुखिया, वर्तमान मुखिया यहाँ है वो चंद्रमा देवी, अभी तक जीतने के बाद में इसे टोला गांव अभी तक कभी नहीं आए हैं, यहाँ पे चेहरा दिखाने भी नहीं आए हैं। आप लोग वोट दिए थे? हाँ वोट दिए थे, जीता है अभी तक वो चेहरा दिखाने के। बताइए मुखिया जी का कहते हैं ना कि चुनाव जीतने के बाद ऐसे गायब होना जैसे गधा के सिर से सिंह, वो वाला कहावत यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इनका कहना है कि मुखिया जी जो है वर्तमान मुखिया जी जीतने के बाद इस क्षेत्र में कदम भी नहीं रखे हैं, चेहरा तक नहीं दिखा। बताइए उस क्षेत्र का, उस वार्ड का क्या विकास होगा? सोचने वाली बात है जी, बताएं। इसके पहले जो मुखिया थे जलुद्दीन अंसारी थे, जो किए हैं वही हैं। फिर हम लोग चाहते हैं कि मुखिया को चेंज किया जाए ताकि कुछ बदलाव इस गांव में, मतलब आप बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव एकदम बदलाव चाह रहे हैं। अब जो भी हो बदलाव चाहते हैं कि जो मुखिया चेंज हो, लेकिन जलुद्दीन अंसारी हैं वो जो किए हैं वही अभी तक है। सबसे हम बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे कि सबसे पहले नल जल है, एकदम पानी एकदम खराब आ रहा है, उसको सुधार करवाए। उसके बाद में कहीं नहीं पीता है, बदबू आता है, बदबू अभी तक चालू नहीं रहा है। चालू अगर आता तो आपको हम खोल कर बताते हैं कि कैसे पानी उसमें से निकलता है। अभी तो बोल रहे हैं कि इधर काम नहीं हुआ है, फिर बोल रहे हैं चालू करके बताते हैं। बहुत कम हुआ है, कुछ जगह हुआ है, छुआ नहीं हुआ है, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह हुआ है, पूरा फुल जगह नहीं हुआ है। अच्छा ये मामला ऐसे मामला जी, पानी आदमी देखे पी। अच्छा
एकदम गंदा पानी। कहाँ से आप पानी पीते हैं? पानी कहाँ से पीते हैं आप? इधर आइए, इधर आइए। पानी पीते हैं, कॉल का पानी पीते हैं। आप कहाँ से पानी पीते हैं? चापा कॉल के। चापा कॉल से जी। 20 फीट का पाइप है, जिस कुआं का पानी लोग पी रहा है। 20 फीट के पाइप है जी। वो समुद्र का ही पानी पी रहा है सारा लोग। आइए कुछ महिलाएं से ही बात करते हैं, बताएंगे। महिलाएं संकोच कर रही हैं, बताएंगे कुछ। महिलाएं संकोच कर रही हैं, और भी लोग हैं उधर, आइए देखते हैं, बात करते हैं। हर क्षेत्र में देखा गया है। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, बिहार के जनता की दुख भरी दास्तान मैं यू ही नहीं कह रहा। बिहार में बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ की जनता का जो है हालात दयनीय बना हुआ है। खासकर नल जल योजना के तहत, इंदिरा आवास के तहत, राशन कार्ड के तहत, वृद्धा पेंशन के तहत, इस तरीके के बहुत सारे जो सरकारी योजना है, जनता उस लाभ से वंचित हो रही है। आइए इनसे जानते हैं, मैडम से। जी मैडम, कुछ बताएंगी? वार्ड में जीतला से वार्ड में कोई काम नहीं है। कल वार्ड में ऐसा आदमी जीते, कामिल आदमी की काम करे है? अब कामिल आदमी बेपढ़ल लिखल बेजानकार वाला आदमी जीत जाता, जीत के पेटी में बंद कर देता। ये बात बा, काम नहीं करावा। बहुत बड़ी बात है। आप इस आपके नलका हैले नहीं के, नाला ये हैले नहीं के, नाला पास नहीं बना हुआ, नाला नहीं है। हम लोग गढ़ा में बाल्टी में पानी रख के लोग फेंकेला, ये हालात है। बताइए, इस पंचायत में जो है नाला भी नहीं बना हुआ है। आइए कुछ बोलना चाहते जी, बताइए। तो आप कैमरा के बाहर से बोल रहे हैं, ऐसे बोलने में आपको संकोच लग रहा है? डरते हैं क्या मुखिया जी से? हम नहीं डरते हैं, इतना दूर से आके आपके गांव में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, और आपको डर लगता है? डरना तो हम लोग को चाहिए था। बोलिए, आइए कुछ लोग यहाँ के। अच्छा, यहाँ से और भी कुछ लोग हैं, उनसे और एक भाई है जो बता रहे थे, इनसे बात करते हैं, इनसे कुछ और उनसे पूछना चाहेंगे जी। और आपको ऐसा कोई समस्या जो यहाँ पर पंचायत में जो मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, वृद्धा पेंशन हुआ, ये सब हुआ, इनके तहत नहीं मिलता है? बहुत कम आदमी के वृद्धा पेंशन मिलता है, राशन कार्ड है, राशन मिलता है, ऐसे बहुत बहुत समस्या। इंदिरा आवास तक खाओ मिलता ही नहीं है इधर। इंदिरा आवास नहीं, नहीं इंदिरा आवास अभी मिलता ही, जो पुराना मिल गया जो मिल गया, अभी तक किसी को नया में भी मिला हुआ नहीं है। मतलब इस 5 साल में अभी के वर्तमान कुछ नहीं, एक भी नहीं मिला है, नहीं एक भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। जो मान लीजिए घूस मांगता है, अगर मान लीजिए आपको जो ट्रम या मुखिया जी कितना घूस मांगते हैं भाई, वो करते वो आते ही नहीं है गांव में, तो क्या घूस गांव में नहीं आते, गांव में ही नहीं आते हैं वो। गांव में जीते हुए थे, उनके दरवाजे पर जाने के बाद में कहते हैं क्या कीजिए, हमको मान लीजिए मुखिया से हमको भेंट करना है, मुखिया पति है, अगर मुखिया से हमको भेंट करना है तो बोलते हैं घर से वो नहीं निकलती है। लेकिन फिर अभी आ गया, वोट आ गया तो अभी फिर आ रहे हैं। हम लोग जलालुद्दीन अंसारी को चाह रहे हैं, उसी को उन्हीं को वोट देंगे। मतलब इस बार आप लोगों ने ठान लिया है बदलाव का? हाँ, बदलाव का ठान लिया है, यही बात है। बिहार के हर क्षेत्र में देखा गया है, मैं बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में दौरा किया हूँ, और ये मेरा ये दौरा जो हुआ है ये पूर्वी चंपारण के अंदर में हुआ है। ये हरसिद्धि पकड़िया पंचायत है, जो वार्ड संख्या 16 है। यहाँ भी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, जो नल जल योजना के तहत कुछ जगह पे काम हुए हैं और बाकी जगह पे नहीं हुए, और जहाँ पे हुए भी है वहाँ की जनता जो है जिसके दरवाजे पर नल जल योजना के तहत पाइप लगा हुआ है, पानी मिल रहा है, वो पानी से भी वंचित है, पानी भी नहीं पीते हैं, टाइम पे पानी भी नहीं मिलता। उनका कहना है कि पानी भी खराब है, हो सकता है उस पानी को पीकर हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम बीमार हो सकते हैं। जी बताएं। और उसके बाद में कहेंगे कि जो आंगनबाड़ी है, जो आंगनबाड़ी है जब से खुला है तब से आंगनबाड़ी में ताला लॉक है, चल के आप देख लीजिए, जब से खुला है तब से इसमें ताला लॉक है, उसमें कितना बुझे कि जंगल झाड़ी हो गया है। कहाँ पे आंगनबाड़ी भी सामने है, आइए थोड़ा चलते आंगनबाड़ी भी देखते हैं। इनकी शिकायत जो है यहाँ के जनता की, यहाँ के निवासियों की शिकायत जो है, इतनी ज्यादा शिकायत है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है। नाला की शिकायत है, नल जल योजना के तहत जो है अब तक जो इनको पानी नहीं मिला है उनकी शिकायत है, इंदिरा आवास के जरिए जो इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, जो लोग वंचित है, जो
इंदिरा आवास के हकदार हैं उनको इंदिरा आवास तक भी नहीं मिला है, उससे वंचित है, उनकी शिकायत है। और अभी जो एक नया शिकायत ये कर रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे जो है जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी जब से बना है तब से जो है अब तक जो है यहाँ की ताला जो है लॉक नहीं खुला हुआ है। बड़े ताजुब की बात है कि आंगनबाड़ी में अब तक बच्चों की जो पढ़ाई होती है, जो उनकी देखभाल होती है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। आइए आपको देखते हैं उस जगह पे। ये दिखाया जाए, ये आंगनबाड़ी है और इसके बारे में इन्होंने कहा कि इसमें जो है अब तक जो है जब से खुला है तब से ताला खुला ही नहीं, ताला लॉक है। जी बताएं, आइए सामने दिखाते हैं ताला कैसा लॉक है। आइए देखते हैं, ये भाई साहब दिखा रहे हैं यहाँ के आंगनबाड़ी का हालात कि यहाँ पे आज तक जो है इसमें बच्चे आते भी नहीं हैं और ये होता भी नहीं। देखिए दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कैमरा, थोड़ा सा देखिए कि कितना इसमें से कचरा लगा हुआ है। कैमरा जब से आंगनबाड़ी खुला है जब से इसमें पढ़ाई लिखाई होता नहीं है। अच्छा, ये आंगनबाड़ी कब खुला है, कितना दिन हो गया खुला? ये आंगनबाड़ी कम से कम हो गया 8-9-10 साल हो गया खुला हुआ नहीं। हाँ, अब मान ली की जब क्या बोलता है, इधर दिखाया जाता है, दिखाई क्या बोलते हैं, जो आंगनबाड़ी का जो मास्टर है ना, हाँ, वो भुंजार है। अच्छा, भुंजार है, लेडीज है, बोलती है मैं चमार का लड़का का जाऊंगा पोटा पूछने। ऐसा बात बोलते हैं, हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, रुपया का बॉल पे नौकरी करेंगे, हम कभी इसमें पढ़ाई नहीं करेंगे। सरकार को, वीडियो साहब को या फिर उसकी उनके ऊपर किसी को कंप्लेंट नहीं किया है? कंप्लेंट करते हैं, रुपया देकर कंप्लेंट को कटवा देता है। मेहरारू हवेली चेक कर रहे हैं। अच्छा, वो रुपया घूस लेके चल जाली। अच्छा, तब दूसरा ककरा के जाइ जाओ क्या चाहते हैं कि आपके बच्चा लोग इसमें पढ़े? हाँ, पढ़े सुखी से पढ़े रहे, मास्टर दूसरे आवे के चाहिए, हमें दूसरे मास्टर आवे के चाहिए। इस पंचायत में तो और भी मुझे इस वार्ड, इस पंचायत के इस वार्ड में यानी 16 नंबर वार्ड में और भी ज्यादा समस्या दिखा। और एक समस्या और जो नया दिखा वो है आंगनबाड़ी को लेकर, कि आंगन में इनका कहना है कि जो यहाँ के जो हैं सहायक हैं या जो शिक्षिका है जो भी है वो कहती है कि हम चमाड़ के बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, इस तरीके का वर्ड यूज होता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो जो है नीतीश सरकार के पास पहुंचा, उनको पता चले कि बिहार के अंदर में जो वो पटना के अंदर बैठ के जो कहते हैं कि बिहार की जनता हमारी सुखमय जिंदगी गुजर बसर कर रही है, उनको पता चले कि बिहार की जनता किस प्रकार की जिंदगी सुख से गुजार रही है।